हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन और मटर के साथ आलू दम। इसके लिए हमें चाहिए 5 आलू, मटर, सोयाबीन, प्याज कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ, तेल, लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची और फौरन के लिए तेजपत्ता, जीरा पाउडर, नमक, हरी धनिया, मिर्ची, धनिया, ये हल्दी। सबसे पहले आलू को 2 टुकड़े काट लेंगे। आलू और सोयाबीन को कुकर में डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। हमने 2 कप पानी डाल रहे हैं। अब कुकर बंद कर दें, हाई फ्लेम पे 3 सीटी इसे मरा दें। कुकर में 3 सीटी हमने लगवा लिया है। देखिए हमने आलू छील लिया है। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे 2 चम्मच। सबसे पहले सोयाबीन भून लेंगे। देखिए हमारा सोयाबीन अच्छे से भून गया है। और इसे आप निकाल लें। अब दोबारा तेल डालेंगे 3 चम्मच। इसमें तेजपत्ते डाल लें। अब इसमें आप प्याज डालें। अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें मटर डाल लें, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें। प्याज और मटर दोनों भून गए हैं। अब इसमें अदरक, लहसुन, लौंग, इलायची का पेस्ट डालेंगे। फिर 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, टमाटर भी डालें। अब इसमें 1/2 कप पानी डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे ढक दें। थोड़ी थोड़ी देर पे मसाला को चलाते हैं। इसमें कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। टमाटर गलने तक मसाले को भूनते रहें। आलू को 4 टुकड़े काट लें। मसाला भून गया है, अब इसमें हम आलू डालेंगे और सोयाबीन भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आलू सोयाबीन अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लें, कटी हुई हरी धनिया डाल लें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक पकाएं। 2 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर लें। आलू दम बिल्कुल तैयार है। अब इसे चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्मी सर्व करें।